Hello, my dear children. Today we are going to read the fifth poem of our course book, The School Boy. So the school boy in this poem is not a happy child. ये खुश नहीं है यहाँ जो लड़का है. अब ये खुश क्यों नहीं है, क्या रीज़न है कि वो unhappy है. So let's read this poem and find out about it. See, this is the first paragraph of our poem. First, let me read it for you. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company. So, let me first tell you the meaning. Jo I hai yahan pe, wo hai poet. William Blake. एंड मॉर्न का मतलब है यहाँ पे मॉर्निंग. डिस्टेंट मीन्स फार या दूर. हंट्समैन का मतलब है हंटर. स्काईलार्क आपको पता होगा, अ काइंड ऑफ बर्ड. सो द बॉय लाइक्स द मॉर्निंग. यहाँ लड़का क्या कह रहा है, आई लव टू राइज इन समर मॉर्निंग. ही लाइक्स टू गेट अप इन समर मॉर्निंग. ही इज़ वेरी हैप्पी टू सी द बर्ड्स, the trees and all the natural things. दूर से आती हुई शिकारी के हॉर्न की आवाज़ उसे बहुत अच्छी लगती है. देखो वो कह रहा है the distant huntsman winds his horn. जब उसके हॉर्न की आवाज़ आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है. He wants to sing with the skylark. वो चाहता है उनके साथ गाना खेलना. He finds the company of nature very sweet. उसे प्रकृति अपनी दोस्त जैसी लगती है. तभी देखो वो कहता है oh what sweet company, right? But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. तो फर्स्ट पैरा में बच्चे ने बताया कि उसे कैसे मॉर्निंग बहुत पसंद है, नेचुरल चीज़ें देखना. बट यहाँ ये बता रहा है उसकी मॉर्निंग कैसी जाती है. His morning hours pass unhappily. उसकी सारी खुशी जो है वो ख़त्म हो जाती है जब उसे स्कूल जाना पड़ता है. ही सेज दैट इन स्कूल ही इज अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ टीचर्स. लिखा है ना क्रूअल आई आउटवॉर्न. क्रूअल आई यहाँ पे है टीचर्स का स्ट्रिक्ट कंट्रोल. एंड आउटवॉर्न मीन्स टायर्ड, यानी वो टीचर्स के जो वो सुपरविजन है, जो स्ट्रिक्टनेस है, उसे बहुत थक जाता है. इट मेक्स हिम टायर्ड. द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिसमे. साइंग का मतलब breathe out and dismay means sadness. All the little children who are in school, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, they spend their day in a sad mood as they have no other option. उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय स्कूल में बैठे रहने के. जो चार दीवारी में वो कैद होते हैं स्कूल में, the child doesn't like it. Ah, then at times I droop and sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bar, worn through with the dreary shower. So the boy says that many times I just sit there in boredom. Drooping sit, yani boriyat se baithe rehna. To kai baar to main school mein yun hi bore hota hua baitha rehta hun. And spend many an anxious hour. Anxious yani nervous ya worried. To aadhe time to main yun hi nervous hota hun. कौन सी टीचर आएगी, कौन सी जाएगी. आई एम वेरी टायर्ड एंड नर्वस फॉर अ लॉन्ग टाइम. नॉर इन माई बुक्स आई कैन टेक डिलाइट. डिलाइट इज खुशी. ना ही तो मुझे किताबें अच्छी लगती है और ना ही टीचर्स के बोरिंग लेक्चर. इससे तो अच्छा बाहर नेचर के साथ गार्डन में कुछ लर्निंग करवाई जाए. नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर. लर्निंग्स बावर होता है बेटा प्रकृति में, नेचर में, बाहर गार्डन में जैसे जाके आप कुछ सीखते हो. तो ये कह रहा मैं वहाँ भी नहीं जा सकता, मुझे उस चार दीवारी के अंदर ही बैठना पड़ता है. So he says that he's tired of boring words which he listens every day in school. Worn is tired and dreary is boring and shower is which is not interesting. यानी जो boring से uninteresting से dialogues मुझे रोज़ सुनने को मिलते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं. इससे बढ़िया तो यह कि मुझे nature में ले जाया जाए और वहाँ पर कुछ सिखाया जाए. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring?
सो इस पैराग्राफ में ही सेज दैट हाउ कैन अ बर्ड बी हैप्पी इन अ केज, अगर किसी पक्षी को कैद कर दिया जाए पिंजरे में तो क्या वो खुश रह सकता है? नहीं ना, इट इज़ बॉर्न फ्री एंड व्हेन इट इज़ फ्री इट सिंग्स हैप्पीली। और अगर उसे पिंजरे में कैद कर लो तो वो खुश तो नहीं रहेगा, वो हैप्पी सॉन्ग्स तो नहीं गाएगा। सेम वे जो बच्चा डर में, स्ट्रिक्टनेस में, बंदिशों में रहेगा वो कैसे खुश रहेगा? ही कैन नॉट एन्जॉय हिज चाइल्डहुड, दैट इज़ यूथफुल स्प्रिंग। यूथफुल स्प्रिंग यहाँ पे बचपन को कहा गया है एंड ड्रूप का मतलब होता है बेंड। सो यहाँ पे बच्चा अपने आप को उस पक्षी से कंपेयर कर रहा है जो कि पिंजरे में कैद है, क्योंकि पक्षी पिंजरे में कैद है और बच्चा स्कूल में कैद है। ओ फादर एंड मदर, इफ बड्स आर निब्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लून अवे एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे, हाउ शिल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपियर। So here the boy is asking his parents that if the plants are plucked, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है nipped, इसका मतलब होता है cut, and stripped यानी plucked, तोड़ना काटना। So वो अपने माता पिता से पूछ रहा है कि अगर buds को nip कर दिया जाए, खिलती हुई कलियों को अगर तोड़ दिया जाए and blossoms blown away, उनको खिलने से पहले ही उनको नष्ट कर दिया जाए, उनको destroy कर दिया जाए, ऑफ़ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, उनकी खुशी से उन्हें वंचित कर दिया जाए, सो क्या होगा? दिल बी वेरी सैड, दिल नॉट बेयर एनी फ्रूट्स नॉर एनी फ्लावर्स। जब आप उसे पहले ही तोड़ दोगे तो कहाँ उसमें फ्रूट आएंगे और कहाँ उसमें फ्लावर्स आएंगे। सेम वे हाउ कैन अ चाइल्ड ग्रो हैप्पीली इन सच अ स्ट्रिक्ट एटमोसफियर, बिना फूलों के खिले बिना कुछ भी संसार में खूबसूरत नहीं लगेगा, फ्रूट्स नहीं आएंगे समर में। सो उसी तरह से अगर बच्चों का बचपन उन्हें नहीं दिया जाएगा तो किस तरह से वो खुश रहेंगे, ये बच्चा अपने पेरेंट्स से सवाल पूछ रहा है। चिल्ड्रन, दिस इज़ व्हाट द मैसेज इज़ गिवन बाय द पोएट विलियम ब्लेक इन दिस पोएम। यहाँ कहना चाहते हैं, पेरेंट्स को कहना चाहते हैं दैट यू मस्ट लेट द चिल्ड्रन ग्रो इन अ हेल्दी एटमोसफियर, वो जहाँ खुश रहें वैसा माहौल उन्हें देना चाहिए। वी मस्ट लेट देम प्ले, enjoy and learn from nature also. ऐसा नहीं है कि उन्हें स्कूल ना भेजो, लेकिन साथ साथ में उन्हें आउटर एटमॉस्फेयर भी दिया जाना चाहिए। बच्चों को आनंद से वंचित रखना, उनकी इच्छाओं से वंचित रखना उसी तरह होगा जैसे संसार को वसंत से दूर रखना। जैसे अगर हम फ्लावर्स को तोड़ देंगे, अगर हम बर्ड को पिंजरे में बंद कर देंगे, जो हालत उनकी होगी वही बच्चों की होगी अगर हम उन्हें कोई भी नेचुरल एनवायरनमेंट जो उन्हें हैप्पीनेस देता हो वो ना दें। तो खुशहाल बचपन के बिना संसार में सुख है कहीं? नहीं। दिस इज़ व्हाट वी लर्न इन दिस पोएम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। हैव अ गुड डे।